हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इवन मार्केट जोन। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। आज इस वीडियो में हम आपको शो करेंगे होम डेकोर से रिलेटेड सारी आइटम्स, जिसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स, शो पीसेस, फाउंटेंस, पेंटिंग्स, सब कुछ जो उनकी जो शॉपकीपर्स की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। मोरओवर इनका जो यूएसपी है, जो स्पेशलाइजेशन है, वो है हैंडमेड पेंटिंग्स में, जो डिफरेंट आर्टिस्ट ने अपनी कला को उभारते हुए बनाया है। और ये आपको दिल्ली में बेसिकली इनकी शॉप पे बहुत अच्छी वैरायटी में मिलेगी। डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट की डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स है, डिफरेंट रेंजेस की हैं, आपके बजट में फिट होने वाली हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत क्लैरिटी के साथ है। आप वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो में बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डू विजिट द शॉप। इसमें हर बजट की स्टार्टिंग रेंज से लेके अपर रेंज तक की आपको हर टाइप की वैरायटी मिलेगी। ये ना सोचे कि अगर वीडियो में अपर रेंज की दिखाई गई है तो इनके पास लोअर रेंज की नहीं है। इस शॉप में आपको हर रेंज की पेंटिंग, हर रेंज का डेकोर आइटम मिलेगा। कुछ चीजें जो कवर नहीं भी हुई हैं, वो भी आपको शॉप में देखने को मिलेगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन मार्केट जोन। आज हम आपको लाए हैं कीर्ति नगर में द आर्ट वेयर हाउस पे, जहाँ की आप वैरायटी देख सकते हैं। चेक कीजिए, इतनी बेहतरीन वैरायटी है। और आपको यहाँ पे शो पीसेस, आर्टिफिशियल ग्रास, आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड डेकोरेशन से रिलेटेड हर आइटम आपको यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलेगी। और हम वैरायटी चेक करते हैं, यहाँ के ओनर मिस्टर नितिन से जानते हैं यहाँ के बारे में एंड व्हाट वैरायटी दे हैव। हेलो भैया। हेलो मैम, वेलकम टू द चैनल। हाँ भैया, बताइए अपने बारे में कुछ। जी, हम द आर्ट वेयर हाउस के नाम से हमारा स्टोर है कीर्ति नगर में। हाँ जी। और यहाँ 16 इयर्स से हम हैं यहाँ पे कीर्ति नगर में। ओके जी। और आपको होम डेकोर से रिलेटेड, जैसे आपने बताया कि सब कुछ मिलेगा आपको। हाँ जी भैया, जो आप होम डेकोर से आपसे रिलेटेड सब मिलेगा उसमें। हाँ जी। तो भैया स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को कुछ आइटम्स एंड उनके प्राइसेस भी जानते हैं साथ में। बताए भैया, जैसे बुद्धा है जी, ये कहीं भी आप एंट्रेंस पर रख सकते हैं। बड़ा साइज है, 3 फीट का साइज है। इसमें भी साइजेस है हमारे पास अलग अलग। हाँ जी। कलर ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे सारे। ओके। जो आपको कलर चाहिए वो इसमें अवेलेबल होगा जी। uh-huh. और ये सारा इंडियन मेड है, अपने फैक्ट्री का बना प्रोडक्ट है। ओके, आपकी मैन्युफैक्चरिंग? हाँ, अपनी मैन्युफैक्चरिंग हमारे ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री है, वहाँ बनता है सारा ये। इसमें रेंज 2150 से स्टार्ट हो जाता है रेंज। ठीक है। वो जैसे जैसे साइज आएगा उसमें वेरिएशन आएगा। हाँ जी। अब भैया जैसे बड़े वाले हैं, ये क्या प्राइस पड़ जाते हैं? ये 3 फीट साइज है, 13,500 की रेंज है। ओके। कलर आप जो कहेंगे उसमें हम डाल सकते हैं, जो आपको कलर चाहिए। मतलब जो भी आपके पीसेज है वो कस्टमाइज हो सकते हैं, क्योंकि भैया की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है जी। तो आप चलते हैं आगे। अब बाकी प्लांट्स वगैरह में हमारे पास काफी रेंज है जी। हाँ जी। और उसमें रेंज आपको प्राइस से लेके और क्वालिटी से लेके सब में बहुत वेरिएशन मिलेगा। हाँ जी। बहुत हमारे पास क्वालिटी अच्छी आपको मिलेगी। हाँ जी भैया। नेचुरल जो लुक होंगे वही ब्रांड्स की रेंज आएगी। जैसे इस टाइप के ड्राइसिना के प्लांट है, क्लोज टू रियल है, आपको जूट बास्केट्स मिल जाएंगे इनके लिए। रियल प्लांट लगाना है तो ये सेरेमिक के प्लांटर है, आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। ओके। आजकल मेटल के भी लोग काफी लोग ले रहे हैं। मेटल के आपको रेंज प्लांटर के मिल जाएगी। और शो पीस में आप देखना चाहे तो आप सारा आपके सामने ही आप दिखा सकते हैं। भैया जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स की रेंज कहाँ से स्टार्ट हो जाती है और कहाँ तक जाती है? रेंज 150 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है ये प्लांट्स का। ओके। और 10,000 तक की रेंज आपको मिल जाएगी, इतनी रेंज है इसके। ओके जी। अगर बात कीजिए, ये प्लांट्स बहुत नेचुरल लग रहे हैं, इसका बताइएगा। ये प्लांट्स है सारा, ये एम्ब्रॉयडरी आता है। हाँ जी। और पॉट इसको आपको अलग से मिल जाएगा, आपके पास घर में भी पॉट है उसमें भी लगा सकते हैं। ओके। जैसे चीनी मिट्टी के पॉट के अंदर भी आप लगा सकते हैं। हाँ जी। इसकी रेंज 3300 की रेंज से स्टार्ट है ये वाला बड़ा वाला। ये जो स्टिक है हमारी 3300। हाँ, ये पूरा प्लांट है, क्रॉटन का प्लांट है। ओके। नेचुरल कलर आएंगे जितने भी मिलेंगे, इसमें 8 से 9 कलर आपको मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। ओके जी। तो भैया इसमें मतलब जैसे फिक्स कैसे करेंगे हम, घर में कोई प्लांट है उसमें? आप प्लांटर के अंदर सैंड वगैरह डालिए। हाँ जी। उसमें ये लगाइए, हम आपको व्हाइट पत्थर दे देंगे ऊपर डालने के लिए। ओके। अंदर रखना है, नीट लगता है थोड़ा सा। हाँ जी। तो वो इसके साथ में हम आपको दे देंगे प्लांट। ठीक है जी। तो इसमें भैया एक दो वैरायटी आप और दिखाएंगे? कलर्स मिल जाएंगे जी आपको इसके अंदर।
जैसे ऑरेंज क्रोटन था ये कलर मिल जाएगा रियल आएगा। टच लीव्स आप देखेंगे ना फैब्रिक है सारा प्लास्टिक नहीं है। हाँ जी और मेंटेनेंस फ्री होता है आप इसको धोइए पानी से बिल्कुल सालों साल चलने वाले प्लांट है। हाँ जी आज के लिए मेंटेनेबल रहते हैं क्योंकि असली के प्लांट्स तो चलते नहीं है कई बार फ्लैट्स में आजकल उसमें घरों में सनलाइट कम आती है। बाकी छोटे मिल जाएंगे आपको पॉटेड प्लांट है जैसे ही। हाँ जी ये 1150 रुपीस की रेंज में पॉट के साथ ही आएंगे रेडीमेड कहीं भी आप स्टेयर्स में रूम के कॉर्नर्स में रख सकते हैं। वेरी प्रिटी तो भैया कुछ डिस्काउंट्स भी देंगे? हाँ 15% रेगुलर डिस्काउंट है जी आपके क्लाइंट के लिए जो आएंगे उनको देंगे। ओके जी थैंक यू भैया। ये बताइएगा मुझे ये मुझे बड़े प्रिटी लग रहे हैं जी मॉन्क्स हैं ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं। हाँ जी स्माइलिंग मॉन्क्स आप जब देखेंगे आपको इनको देख के स्माइल आ जाएगी। हाँ जी और इसमें भी कलर्स हैं एक ग्रीन कलर है एक मरून कलर है ये सब इंडियन प्रोडक्ट है अपने बने हुए कलर अपने पीसेज है। तो ये भैया सिंगल पीस के हिसाब से या सिंगल पीस है कोई सेट नहीं है अच्छा। तो अपना बना हुआ ये आप बाउंड नहीं कि आपको सेट ही लेना पड़ेगा। हाँ जी आप एक पीस भी बाय कर सकते हैं। तो ये क्या प्राइस है भैया इसकी? ये 2450 रुपीज इसका MRP है जिसके अंदर। ओके ठीक है भैया। और ये कैंडल स्टैंड्स ये मेटल है जी नीचे उन्दर, इसके अंदर ऑनेक्स मार्बल लगा हुआ है। इसमें कैंडल स्टैंड में भी ग्लास के आपको मिल जाएंगे। रेंज स्टार्टिंग आप मान के चलिए उसमें 750 रुपीस से स्टार्ट हो जाता है। ओके तो ये वाले भी पर पीस के हिसाब से सेट है जी? नहीं नहीं पर पीस है कोई सेट नहीं पर पीस है। ओके जी आपके यहाँ पेंटिंग्स बहुत ज्यादा प्रिटी है तो हम अपने व्यूअर्स को वो दिखाते हैं जी। तो भैया आप बताएंगे क्या क्या इनकी बेसिकली मटेरियल एंड स्पेशलिटी एंड प्राइसेस? ये जैसे मेटल पे बना हुआ ये पूरा पेंटिंग है आजकल लेटेस्ट है ट्रेंडिंग है। अच्छा और उसमें फॉइल का वर्क है जी इसमें से मेटल के पीसेस लगे हुए ऊपर ये लैकर किया हुआ है। ओके तो ये सारा लेटेस्ट कलेक्शन है इन हाउस कलेक्शन है ये सिर्फ हमारे पास ही मिलेगा आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। तो ये पीछे भी इसका जो मेटल बेस है वो मेटल है सारा मेटल की शीट है उस पे पेंटिंग किया हुआ है। ओके जी तो भैया क्या प्राइस हो जाएगी ये? 17,800 की रेंज में पेंटिंग है ये साइज है इसका 3x4 feet है। ओके इसमें तो आपको मेटल पे मिल जाएगा जी वुड के ऊपर मिल जाएगा कैनवास के ऊपर मिल जाएगा बहुत कलेक्शन है। ओके जी जी गणपति जी भैया ये जी संजीव मंडल आर्टिस्ट है वेल नोन आर्टिस्ट है। अच्छा जी। सीनियर आर्टिस्ट है उनका वर्क है। ओके 12,470 की रेंज में पेंटिंग है। ओके तो भैया पेंटिंग्स पे भी डिस्काउंट है जी कुछ? ये 15% लेस होगा 15%। ओके जी एंड ये 7 हॉर्सेस भी बड़े प्रिटी लग रहे हैं मेटल पे ही भी जी सेम ना मेटल के ऊपर ही ऑयल पेंट है सारा। वाओ बहुत स्मूथ फिनिश है जी। हां जी भैया ये देखिए गाइस सारी ये भैया की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये कैनवास पे बना हुआ है जी। ओके प्लेन कैनवास से उसके ऊपर पेंट से लीफ बनाया हुआ है साथ में ही मेटल के हमने इसके ऊपर लीफ लगाए हुआ है उसके ऊपर पेंट किया। ओके तो भैया इसकी क्या प्राइस हो जाएगी? ये जी 17,100 की रेंज में है। ओके तो भैया आफ्टर 15% नेट क्या पड़ेगा इसका? अराउंड 14,800 की रेंज में आएगा 14,500-14,800। ओके जी क्योंकि एक्चुअली बहुत यूनिक पेंटिंग्स हैं और मैंने भी कहीं नहीं देखी है दिल्ली में जो कवर किया है एटलीस्ट वहाँ पे तो नहीं। एक भैया मुझे ट्री भी बताइएगा प्लीज। ये कैनवास है जी इसके ऊपर जूट का वर्क किया हुआ ट्री बना हुआ जूट से। ओके और उसके ऊपर ये गोल्ड पेंट किया हुआ है इस पे ग्लिटर का वर्क किया हुआ है 4,800 रुपीस की पेंडिंग है जस्ट। ओके तो इसके ऊपर 15% डिस्काउंट 4,000 रुपीस आफ्टर डिस्काउंट प्राइस आएगा। ओके जी बाकी ये सारा लेटेस्ट कलेक्शन है जो आप देख रहे हैं। हाँ जी ये वही कैनवास के ऊपर है लैकर वर्क किया हुआ है आप देखेंगे टेक्सचर है उसको फील कर सकते हैं हाथ से और इनकी कोई मेंटेनेंस एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ आप जैसे नॉर्मल अपने बाकी चीजों की क्लीनिंग करते हैं वैसे इसकी क्लीनिंग। ओके हाँ क्योंकि लेकर है तो फिर वो तो डस्ट वगैरह आराम से झड़ जाएगी। और बाकी भैया जैसे किसी को इसमें भी पसंद आता है वीडियो में तो आप ऑनलाइन भी उसको सेंड कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया हमारा जाता है। ओके जहाँ हम कहेंगे ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होती है। ठीक है जी तो मतलब जैसे ये डिजाइन्स तो वीडियो में आएंगे ही इसके अलावा भी डिजाइन्स आप शो कर सकते हैं? बहुत है पेंडिंग्स आप देखेंगे कलेक्शन अराउंड 700-800 पीस आपको रेडी स्टॉक में मिलेंगे। जितने पेंडिंग्स है हमारे पास 2 फ्लोर है। हाँ जी पेंटिंग्स का ही हमारा मेन काम है उसी के आपको स्पेशलिटी नहीं बहुत सुंदर है सही में ये भी बताइएगा लकड़ी है सारा। ओके वुडन प्लैंक्स है उसके ऊपर ये मेटल का वर्क किया हुआ उसके ऊपर पेंट किया हुआ सारा। वेरी प्रिटी भैया तो भैया साइज क्या जी है? साइज 3x4 feet है प्राइस है इसका 16,500। हाँ जी वेरी नाइस देखिए कितनी मतलब बहुत यूनिक है आपने देखी नहीं होगी अभी कहीं और बहुत एक्सक्लूसिव है आई मस्ट से और बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब डिटेलिंग भी बहुत अच्छी है क्लैरिटी बहुत अच्छी है जो कि एक पेंटिंग एक सीनरी में देखी जाती है। ये भी कैनवास के ऊपर ही ऑयल पेंट है
बड़े साइज ड्राइंग रूम वगैरह में लगा सकते हैं, 3x6 फुट 3x7 फुट इस तक के साइज भी आपको बड़े से बड़े में मिल जाएंगे। ओके, और ये सब हम कस्टमाइज भी करते हैं, अगर आपको कोई अपने रिक्वायरमेंट हो, अपने कोई थीम हो, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बना के देंगे पेंटिंग। मतलब आपको अपना डिजाइन दे सकते हैं, आप वो बनवा देंगे। एक ये यूनिक पेंटिंग से बहुत सुंदर है, इसमें सेल डलते हैं जी, ऐसे लाइट चलते हैं। okay. बाकी इसमें मोटिव्स होंगे, किसी में बाइसिकल है, किसी में स्कूटर होगा जी, किसी में कार होगा जी। बहुत यूनिक आइडिया भैया, बहुत एलईडी पेंटिंग है ये सारे। वेरी नाइस, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, लैंप चल रहे हैं इसमें। तो भैया जैसे इसमें जो अंदर बल्ब्स होते हैं जी, बाई चांस जैसे भी चलते चलते खराब हो जाए तो फिर? नहीं, एलईडी बल्ब ही खराब नहीं होते, नॉर्मल आप इसमें सेल डालिए, पीछे दो सेल डालते हैं। ओके, नॉर्मल जो अपने सेल होते हैं उसे चलता है। तो भैया ये किस रेंज में स्टार्ट हो जाती है? 3150 की रेंज है। ओके, 3150 की रेंज है, इसमें 15% लेस है। वेरी प्रिटी। सी ये जो लाइट्स हैं ये पेंट नहीं है, दीज आर ओरिजिनल एलईडी बल्ब्स जो आपको पेंटिंग के अंदर जलते नजर आ रहे हैं और बहुत यूनिक है। और इनमें भी भैया के पास बहुत डिजाइन है, आप देख सकते हैं। आपको अराउंड 15 डिजाइन मिल जाएंगे डिफरेंट। ओके, तो मतलब जो आपको वीडियो में शो किया जा रहा है उसके अलावा भी डिजाइन है, तो आप वीडियो कॉल करके या फोटोग्राफ्स मंगवा के आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। आइए नीचे दिखाते हैं आपको कलेक्शन। हाँ जी, पेंटिंग्स का ही हमारे पास नीचे। ठीक है जी भैया, ये भी जो सारा कलेक्शन देख रहे हैं हैंडमेड है और आर्टिस्ट के वर्क से मिलेंगे आपको। देखिए ये पेंटिंग्स की भरमार है भैया पे, सब आर्टिस्ट का काम है और सब मतलब एक एक यूनिक पीस है, एक एक पीस अपने में ही बोल रहा है, कोई प्रिंटेड पार्ट नहीं है, सब पेंटेड पार्ट है सब कुछ। ये देखिए कितनी वैरायटी है, कितने डिजाइन है और रेडी पीसेस बहुत ज्यादा है, तो आपको कोई स्टॉक की कमी नहीं है। इनकेस कोई इंटीरियर डिजाइनर्स भी देख रहे हैं, अगर उनको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए तो वो भी यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी आपको फेवर किया जाएगा, आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। इसके बारे में बताइएगा। ये वुड के ऊपर बना हुआ है सारा ये। हाँ जी, और इसमें मेटल के पीसेस लगे हैं नीचे, तारकोल से इसमें पेंट किया हुआ है, इसके अंदर ये भी सारा हैंडमेड है। क्या प्राइस होगी भैया इसकी? ये जी 18,500 के रेंज में पेंटिंग है। ओके, साइज इसका है 2.5x5 फीट का साइज है। ओके जी, और ये जो कॉर्नर पे भैया ये सारा ये मेटल पे ट्री बना हुआ है पूरा। ओके, मेटल के ऊपर पेंट किया हुआ है। हाँ, सारा पेंट है इसके ऊपर ही। मतलब घर में जान डाल देगी पेंटिंग, इतनी सुंदर पेंटिंग्स लग रही हैं, तो बहुत ही एक एक पीस अपने में बोल रहा है, अलग है हर पीस अलग है। ये देखिए बुद्धा के फेसेस भी बहुत प्रिटी लग रहे हैं। ये जैसे कोई आपका एंट्रेंस है, कंसोल हाँ है, उसके ऊपर रख सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा बुद्धा। हाँ जी जी भैया, इसके बारे में बताएंगे भैया कुछ? जी, राधा कृष्ण पेंटिंग है जी, संजीव मंडाली आर्टिस्ट है, उनका वर्क है। साइज बहुत अच्छा है, 4x5.5x6 फीट का साइज है। ओके, फार्म हाउस वगैरह में बड़े कलरफुल भी पूरी है और मतलब जैसे गॉड फिगर है बट स्टिल गॉड फिगर नहीं है। एक ये बनारस का घाट है जी, ये है एक्रेलिक कलर, बस फील इसमें वाटर कलर का आएगा। रत्नेश्वर रॉय आर्टिस्ट है, उनका पेंटिंग है ये। बहुत इसकी भैया क्या प्राइस होगी? ये वाला जी 21,860 की रेंज में है वाला। ओके, और भैया साइज क्या होगा इसका? साइज है इसका 2.5x4.5 फीट साइज है। ओके, मतलब एक्चुअली मतलब हैंडवर्क और जो आर्टिस्ट की जो वो है, मतलब मैंने खुद नहीं देखी है, ऑल्दो हम लोग बहुत कवर करते हैं देखते हैं, बट बहुत अच्छा भैया पे स्टॉक है। ये भैया गोल्डन टेम्पल जी, गोल्डन टेम्पल है, म्यूरल है ये। हाँ जी, ये बेस जो है सारा ये पॉलिश स्टोन में बना हुआ है, जो म्यूरल है बीच का। ओके, बाकी साइडों में फ्रेमिंग हमने इसमें किया। ओके, तो भैया इसकी क्या प्राइस रहेगी जी? ये 19,800 का प्राइस है। ओके, साइज इसका 3x5.5 फीट साइज। वेरी नाइस, मतलब एक्चुअली गोल्डन टेम्पल उठ के ही आ गया है। बहुत भैया सब चीजों के रेट्स बताने और डिस्क्लोज करने बहुत पॉसिबल नहीं है, तो हम आपको पीसेस दिखा रहे हैं, अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेके भैया से आप पूछ सकते हैं या अपना भी कोई डिज़ाइन देके बनवा सकते हैं उसी स्टाइल में। तो बाकी डिज़ाइन हम आपको शो करते हैं क्योंकि आर्टिस्ट की वो कला है, तो हर चीज़ के प्राइस डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होता है। भैया ये जो सामने है वही हो गई ना लाइट्स? वो एलईडी वाली पेंटिंग्स है, उन्हीं के सारे डिज़ाइन है।
आप बच्चों के रूम में देख सकते हैं, आपके कोई एंट्री वॉल हो उसपे दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। पूरा एक स्टोरी बना सकते हैं वॉल पे इसका आप कहीं भी। बहुत जी बहुत सुंदर है जी। और ये जो स्टैचूज हैं भैया, ये भी आप जी, ये आउटडोर के लिए आइटम है जी, आप गार्डन वगैरह में कहीं भी रख सकते हैं। हाँ जी, पूरे हैवी स्टैचू के पीस काफी भारी है ये, पॉलिस्टोन का बना हुआ है, 18,000 की रेंज है इसकी। ओके, तो देख लीजिए भैया के पास ये गार्डन वैरायटी भी होती है और प्लांट्स भी आप यहाँ पे देखिए, प्लांट्स की भी वैरायटी है। और बाकी अभी हम आपको सारा आपको पहले कवर करके दिखाया है, तो उसमें कोई भी मतलब आप अपना कस्टमाइज भी करा सकते हैं, हर चीज कस्टमाइजेबल है यहाँ पे। तो आप कॉन्टेक्ट करके, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप ही जानते हैं, और आप भैया से बात करें और अपने डिजाइन या अपनी आप बेसिकली अगर दिल्ली एनसीआर में बेस्ड है तो आप विजिट कीजिए, या अगर आप बाहर से भी आ रहे हैं तो यू कैन जस्ट कम ओवर, और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत आर्टवर्क यहाँ पर है, और कुछ ना कुछ आपको अपने घर के लिए जरूर मिलेगा, और इनफैक्ट आप लगाएंगे तो आपकी घर की वैल्यू एनहांस हो जाएगी। एक भैया इस पेंटिंग की बात और करते हैं जी। जी राधा कृष्णा है, टेक्सचर वर्क है सारा ये। हाँ जी, ऑयली पेंट है सारा, आशुतोष आर्टिस्ट है उनका पेंटिंग है। ओके, और प्राइस रेंज है इसका 28,000 का। ओके, और साइज है इसका 3.5 feet by 4.5 feet साइज। ओके, तो भैया जैसे मतलब ये कैनवस पेंटिंग्स हैं, ऑयल पेंट्स की हैं, तो जैसे आजकल दिल्ली मतलब बेसिकली इंडिया में डस्ट हर जगह है, तो वो जैसे मिट्टी से थोड़ा पेल पड़ जाती है, तो उनका क्या वो रहता है? ऑयल है, ऑयल में कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आती, आप इंडोर में लगा रहे हैं। हाँ जी, नॉर्मल आप जैसे बाकी डस्टिंग करते वैसे डस्टिंग करिए। ओके, पेंटिंग कभी नहीं खराब होता है, लोग पुरानी पेंटिंग रीफ्रेमिंग के लिए हमारे पास लेके आते हैं। हाँ जी, उनके पेरेंट्स के, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के, तो फ्रेमिंग भी हमारा एक काम है, मेन काम फ्रेमिंग है, हम फ्रेमिंग सारा हम खुद करते हैं। ओके, ये देख लीजिए कितने सारे डिजाइन एंड रेडी पीसेस बहुत हैं, तो अगर विजिट कर सके तो विजिट करके ही मेरे ख्याल से आप देख पाएंगे और अपने घर को आप इनहांस कर पाएंगे बेसिकली, क्योंकि इतने डिजाइन शो करने भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और मैं ये बताना चाहूंगी कि जो सीरियस बायर्स हैं प्लीज वो ही वीडियो कॉल की भी फैसिलिटी ले, क्योंकि सब पीसेस दिखा के और फिर आप ना ले तो बहुत बुरा लगता है। ये भैया बताएंगे, ये विश्वरंजन भुनिया आर्टिस्ट है जी, वेल नोन आर्टिस्ट है, उनका पीस है ये। हाँ जी, बनारस का घाट है ये, बनारस का घाट उन्होंने बनाया। ओके, भैया प्राइस क्या रहेगी जी इसकी? ये 44,750 की रेंज है जी। ओके, साइज इसका 3.5 by 5.5 feet साइज। ओके, बहुत खूबसूरत लग रहा है, एक वो बनारस का घाट था, एक ये बनारस का घाट है। आप दोनों ये देखिए, दोनों में कंपेयर करके देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह इक्विवेलेंट अपनी अच्छी है। और ये इसमें कलर्स बहुत है, वो ब्राउन टोन पे था बट वो भी अब मतलब वो बेसिकली वो बहुत रियल लग रहा था, ये भी बहुत रियल लग रहा है, मतलब दोनों की अपनी ही स्पेशलिटी है। तो अब हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जो बाकी आपको जो भी आइटम पसंद हो हमने दिखाई हैं आपको सारी, तो प्लीज़ विजिट द स्टोर एंड टेक एज पर योर रिक्वायरमेंट। थैंक यू भैया अपना टाइम देने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू।